नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। लास्ट का जो लेक्चर हुआ था उसमें देखा था आर ए और आर जेड, उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। आर ए मतलब क्या? इट इज़ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ योर ऑर्डिनेट्स फ्रॉम मीन लाइन विदाउट कंसिडरिंग अलजेब्रिक साइन, ठीक है। फिर आर जेड का था 10 पॉइंट एवरेज भी कहते हैं उसको, उसमें क्या किया था 5 हाइस्ट पीक और 5 लोवेस्ट वैल्यू का क्या किया था, एवरेज लिया था। तो अभी आती है बात आर एम एस की और सी ए ले के। आर एम एस मतलब क्या, यहाँ पे लिखा है मैंने RMS, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ पे इसकी डायग्राम भी बनाई है। डायग्राम जैसे आपकी पहले डायग्राम थी आरे की, वैसी ही डायग्राम है, लेकिन इसको जो ऑर्डिनेट्स है इसको आपको क्या नाम देने हैं, Y1, Y2, Y3 वगैरह नाम देने हैं। फिर इसका क्या करना है, विद इन सैम्पलिंग लेंथ आपने क्या किया, Y1, Y2, Y3, Y4 ऐसे करते YN तक अपने ऑर्डिनेट दिए है, ऐसा लिखना है। फिर इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से, आप फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे। फॉर्मूला में क्या है, Y1 स्क्वायर प्लस Y2 स्क्वायर और पूरा उसको ब्रैकेट में डाला है। इसका डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द सरफेस मेजर्ड फ्रॉम मीन लाइन। स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द सरफेस मेजर्ड फ्रॉम मीन लाइन। ये जो ऑर्डिनेट्स आपके Y1, Y2, Y3, इसको क्या क्या है, उनका स्क्वायर क्या है, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया है आपको, इसको क्या कहते हैं आप, क्या कहते हो, RMS कहते हो। फिर यहाँ पे आता है आपका CLA, सेंटर लाइन एवरेज मेथड। सेंटर लाइन एवरेज मेथड में क्या क्या है, आपकी ये इफेक्टिव प्रोफाइल है, ये मीन लाइन है। फिर यहाँ पे क्या किया, मार्किंग क्या, यहाँ पे Y1, Y2, Y3 था, यहाँ पे उन्होंने क्या हाइट मार्क किए, H1, H2, H3 हाइट मार्क किए। फिर उसका सेंटर लाइन एवरेज निकालने के लिए क्या किया उन्होंने, ये जो हाइट्स थी उनका प्लस माइनस विदाउट कंसिडरिंग किया, क्या क्या है उन्होंने, H1, H2, H3 प्लस प्लस HN तक डिवाइडेड बाय N। N क्या रहेंगे आपके, जिस विद इन सैम्पलिंग लेंथ जितने आपके ऑर्डिनेट्स डाले वो उतने क्या रहेंगे आपके, N रहेंगे। लेकिन उनका मतलब, बोलने का मतलब ये है कि इसमें क्या थोड़ा सा लेबरस काम है, आपको ऑर्डिनेट्स डालो फिर उसके मीन लो आप। इसके वजह से उन्होंने क्या किया, एक प्लानीमीटर रहता है, वो प्लानीमीटर से क्या करो आप, आपका जितना एरिया रहेगा उतना एरिया कैलकुलेट करो, फिर एरिया का क्या करो आप, एवरेज निकालो विद इन सैम्पलिंग लेंथ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, A1, A2, A3 प्लस A4 ऐसे डिवाइडेड बाय L। L क्या रहेगी आपकी, सैम्पलिंग लेंथ रहेगी। उन्होंने कहा है कि RMS के जगह पे लोग मैक्सिमम CLA का यूज़ करते हैं क्योंकि वो ग्राफ से निकालने आपको ईजी जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।